हो, राउरकेला से हो या फिर आसपास के कोई भी एरिया से हो, तो आप लोग एक बार जरूर आइए ये मंदिर को और दर्शन करिए। और इस जगह की सबसे अच्छी बात यही है कि इस जगह में आके बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैड जर्नी। तो आज का ये वीडियो बनने वाला है राउरकेला का मंदिर वाले सीरीज के लिए थर्ड वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने पहले दो वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है और वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अनोखे मंदिर के ऊपर होने वाला है, जो कि राउरकेला के सेक्टर 21 में उपस्थित है। इस मंदिर के बारे में अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, या फिर बोल सकता हूँ कि नहीं पता है। तो चलिए आज हम लोग इस मंदिर को आप लोग को दिखाते हैं और जो मेरा एक दोस्त है उससे भी बात करवाते हैं, तो आप लोग को और अच्छे से जानने को मिलेगा इस मंदिर के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है मंदिर का मेन गेट। तो इस तरफ से आप लोग एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद आप लोग को बहुत अच्छा गार्डन देखने को मिलेगा सामने में। सामने में इस तरफ गार्डन है और इस तरफ का आप दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर से और बहुत ही अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया गया है। सबसे खास बात इस जगह की यही है कि इस जगह को मेंटेन किया जाता है और मेंटेन करने के लिए यहाँ के जो इनके जो भक्त हैं वही लोग आके इसको मेंटेन करते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इस तरफ आप मेन गेट से एंट्री करने के बाद आप इस तरफ ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने के बाद आपको जैसे दिखाया उस जगह में भगवान जी का मंदिर है, तो वो जगह के बारे में आप लोग को और डिटेल्स में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को नीचे दिखाता हूँ। आप जैसे ही एंट्री करोगे तो आप लोग को इस तरफ नीचे आने से ये दो मंदिर दिख जाएंगे जहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी थोड़ा लेट में आया हूँ इसलिए मंदिर का मतलब बंद हो चुका है, और मतलब अभी जस्ट बंद हुआ क्योंकि मैंने दर्शन कर लिया है, बट फुटेज भी ले लिया आप लोगों के लिए। और ये है नीचे का एरिया, आप लोग देख सकते हैं नीचे का एरिया कितना सुंदर है, कितना सुंदर और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर आने से बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा वाला सुकून वाला माहौल मिलता है। इसका पीछे का एरिया, वो मंदिर का पीछे का एरिया ये है। ये देखा आप लोगों ने ये मंदिर। इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और अभी हम लोग बात भी करेंगे मेरे दोस्त से, जो कि आप लोगों को बताएगा इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर में कौन कौन आ सकता है कौन कौन नहीं आ सकता, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में वो थोड़ा बताएगा। और आप लोगों ने मंदिर देखा तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों को और दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैं ऊपर में हूँ, आप इधर से एंट्री करोगे ऊपर आओगे, ऊपर आने के बाद ये वो मंदिर का मतलब मेन गेट है। इसके अंदर का आप लोग फुटेज देख चुके हो क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12। इस जगह की सबसे अच्छी बात यही है कि इस जगह में आके बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग कभी नहीं आए हो और नहीं जानते थे तो मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर आए, एक बार एटलीस्ट आए और दर्शन करके जाए, तो
तो ये कुछ इस तरह का व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा इस तरफ पूरा ये व्यू। देख सकते हो कितना सुकून वाली जगह है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आई मस्ट से कि इस जगह में आप लोग आएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो लोकेशन और ये माहौल है ये अपने आप में ही एक मतलब बहुत ही सुकून वाला फील देता है। और ये भी एक मतलब मंदिर भी देखिए कितना साफ सुथरा और कितना क्लीन, कितना पीसफुल और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आप लोग को नीचे का एरिया पूरा दिखा दिया, तो चलिए अभी मेरे दोस्त से बात करते हैं जो कि आप लोग को बताएगा इस मंदिर के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में बताएगा। तो विभू से पूछते हैं हम लोग कि इस मंदिर के बारे में थोड़ा हम लोग को बताएं और अपने मतलब यहाँ पर किस चीज़ का मतलब पूजा होता है और क्या होता है थोड़ा आप लोग बताइए। ये बेसिकली ठाकुर जी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भगवान जी का उनका मंदिर है। ये ठाकुर जी का जो बोलते हैं मेन उनका जो घर है बाड़ी है वो बांग्ला से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए उनको ठाकुर बाड़ी बोला जाता है। और वो देवघर का मेन मंदिर है, वहाँ पे हम लोग कभी कभार जाते हैं। और उत्सव भी जब होता है, जब ठाकुर जी का जन्मदिन और उनका परिवार का कोई उनका जन्मदिन होता है तो वहाँ पे हम लोग का उत्सव किया जाता है। तो वहाँ खैर जाते हैं, बहुत सारे मतलब देश विदेश से बहुत आते हैं। अच्छा, तो हमारे पब्लिक या फिर हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि इस मंदिर को कौन कौन आ सकते हैं, मतलब ये मंदिर में आने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है या फिर हर कोई आ सकता है मंदिर को? ऐसे देखा जाए तो घूमने फिरने के लिए तो कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग का सत्संग होता है उस टाइम में मैक्सिमम तर हम लोग का दीक्षा जो लिए हैं उन लोग आते हैं, खैर नहीं तो आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं। और ये ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म जात ये सब के लिए नहीं, ये सब के लिए समान है। मतलब कोई यहाँ पे इसमें इस दीक्षा लिए हैं बहुत सारे जो बोलते हैं मुस्लिम संप्रदाय के उन लोग भी दीक्षा लिए हैं और पंजाबी संप्रदाय के उन लोग भी लिए हैं, ऐसे इसीलिए क्रिश्चियन लोग भी लिए हैं सब, मतलब फॉरेन कंट्री में भी वहाँ पे भी दीक्षा लेते हैं। तो ऐसा कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया मंदिर के अंदर का दृश्य किस तरह का है, तो अभी हम लोग आप लोग को घुमाएंगे मंदिर का जो बालकनी है और ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है उस बारे में आप लोग को दिखाएंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग ऊपर आएंगे तो इस तरफ मंदिर है, आप लोग मंदिर भी देख लिए, तो अभी हम लोग को दिखाते हैं बालकनी को। सामने का नज़ारा कुछ इस तरह है बालकनी से ऊपर से, और इस तरफ अभी बन रहे हैं रूम्स बनेंगे शायद, जो कि दीक्षा जो लिए हैं वो लोग अगर आते हैं तो वो लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं मंदिर के लिए काम में जो आते हैं। तो ये है मंदिर का ऊपर का बालकनी और ऊपर से नज़ारे कैसा दिखता है चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो ये मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। मतलब इधर का गार्डनिंग बहुत ही सुंदर किया है, अब इसको मेंटेन करके रखे हैं। तो ये पूरा बालकनी है और बालकनी से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है सब तरफ का। तो बेसिकली यही है ये मंदिर जिसके बारे में बहुत लोगों को अनजान है। और आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि इस जगह में आने के लिए टाइमिंग नॉर्मल मंदिर जैसा ही है, उसी टाइम में ही आप लोग आके इसको दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कोई, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, ऐसा कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर हर कोई आ सकता है, दर्शन करके जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले कि
अगर आप लोग राउरकेला से हो या फिर आसपास के कोई भी एरिया से हो तो आप लोग एक बार जरूर आइए ये मंदिर को और दर्शन करिए, और एक बार एटलीस्ट लाइफ में मंदिर दर्शन करके जाइए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग वीडियो को सबके साथ शेयर करें और सभी लोगों को ये चीज़ बताने का मौका दे कि यहाँ पर राउरकेला में बहुत सारे चीज़ हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं जिसके बारे में हम लोग भी अनजान हैं। तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें, वीडियो में लाइक करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट दें जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए और ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊँ जिससे आप लोग को अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।